ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਰੌਣੀ ਪਿੰਡ ਵਿਖੇ ਚਾਰ ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ 4 ਸਾਲਾ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਅਗਵਾਕਾਰ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਫੜ ਲਿਆ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। घटना सवेरे करीब 7:15 की है, जो 11 साल का लड़का अपने स्कूल जाने लिए घर तो निकलिया तो चार अगवाकारा ने लड़के को अगवा करन दी नीयत नाल चुक लिया, पर पिंड के एक व्यक्ति के देखने तो बाद तीन अगवाकार भज गए, पर एक अगवाकार पिंड वासियां दे हथीं चढ़ गया। बस फिर की सी, पिंड वालियां ने अगवाकार नूं पुलिस दे हवाले करन तो पहला उसका खूब कटापा चाड़िया ते उसनूं रस्सियां नाल बन्ह के रखिया। एक मोटरसाइकिल पे आ रहा था ते उसने देखा कि यहां से मुंह बंद का गारा में खींच लिया था अंदर जंगल के। फिर चार बंदे लगे छुड़ा तो लिया, लेकिन वो आप काबू नहीं आए, भागे किलोमीटर पकड़ा जा। पानी दा बलिया दो यार, कैसे पानी दा बलिया दो भाई। पिंड के लोग सारे पिंड के लोग इकट्ठे हो गए जी। कितने बंदे से कितने फड़े गए हैं? कितने बंदे से कितने फड़े गए? एको फड़ा गया, चार बंदे हो रहे हैं। अपी कह रहे चार बंदे हो रहे। इस तो बाद पुलिस ने मौके पर पहुंच के दोषी अगवाकार नूं लोकां दे चुंगल तो छुड़ाया ते थाने लै गए। पुलिस दे हौलदार दा आखणा है कि मामले की जांच तो बाद ही असली तथ्य सामने आउणगे। अच्छी दविंदर सिंह हौलदार सन तो फोन इनफॉर्मेशन आई सी, उत्थे इस तरह करके बंदा फड़िया भी बच्चा चकदा सी। इत्थे आ गए जदों पब्लिक इकट्ठी होई सी, उहदा हुण मैं तो पुछगिछ करांगे, बाद च पता लगूगा की है जी। कंप्लेंट यही है इतने लड़ाई हुई है, सू तो यही इनफॉर्मेशन आई थी लड़ाई बारे। इतने आए तो यह है कि बच्चा चकता सी, पर पब्लिक इन्नी इकट्ठी हुई असं ये नेड़े नहीं, इन्हू पुछ गिछ नहीं, पता नहीं कर सके। हुण उत्थे जाके तो पता करते हैं फिर क्लियर होगा। हाँ जी हाँ जी, बच्चा है इतने रखा लिया जी वहाँ पे। पटियाला तो जा टीवी न्यूज़ के लिए बलजीत सरना के नाल मोहित मल्होत्रा की रिपोर्ट।